का साहब ज्यादा बिलखैर साहब, मेरा सिर्फ दो टोक सवाल ये होगा कि इस्लाम के अंदर इस्लामी कवानीन जो हद में आते हों उनकी शरई और इस्लामी हैसियत क्या है उन कवानीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर आज ये प्रोग्राम रखा है। अभी फरमा रही थी शीरिन साहिबा कि ये इस्लाम के नाम पर एक बदनुमा दाग है। ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर का मामला है, ये इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत कहाँ मिली और उसकी सज़ा कत्ल रखी गई है कि जो शख्स हुज़ूर की तौहीन करता है, अदना से गुस्ताखी भी करता है, तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ कत्ल है। और ये मैंने नहीं रखी, किसी और ने नहीं रखी, बल्कि कुरान और हदीस से साबित है। इसको ये कहना कि ये कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है, बिल्कुल गलत है। अवल तो ये भी बाज़ लोग कहते हैं कि साहब ये कुरान से साबित कहाँ है, हर चीज़ कुरान साबित करो। एक इल्ज़ामी पहले मैं जवाब पेश कर दूँ, उसके बाद तहकीक का जवाब पेश करूंगा। ये कहना भी गलत होता है कि हर चीज़ कुरान साबित करो। देखिए, नमाज है हमारी, नमाज के अंदर सुबह की नमाज के अंदर दो रकातें हैं, जोर की नमाज में चार हैं, असर की नमाज में चार हैं, मगरिब में तीन हैं। ये मुझे साबित कर दें कहाँ लिखा है कुरान पाक के अंदर। हमारी जो रोज़ा है वो फर्ज हमारे पर, रोज़ा रमज़ान में हमें रखना है, तीस रखने हैं, ये कहाँ लिखा है कुरान पाक के अंदर? हम एक रोज़ा रख रहे काफी तक, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये कह देना कि हर चीज़ कुरान से साबित हो, ये गलत है। अगर बहुत सी चीज़ें कुरान साबित नहीं तो क्या वो खत्म हो जाएंगी? क्या नमाजें सारी खत्म हो जाएंगी? क्या रोजे सारे खत्म हो जाएंगे? ये एक तो तस्वुर ही गलत है कि हर चीज़ कुरान साबित की जाए।